वेलकम व्यूअर्स, ये सी बाड़ी चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग ये जो सोल्डरिंग आयरन है इसको रिपेयर करेंगे। एक्चुअली में ये जो सोल्डरिंग आयरन है इसका जो एलिमेंट है ये टूट गया है, ठीक है। इसका जो एलिमेंट है ये टूट गया है एंड ये गर्म नहीं हो पा रहा है, तो इसको हम लोग एक नया एलिमेंट से रिप्लेस करेंगे। ये जो एलिमेंट है ये 25 वाट का एलिमेंट था, ये एक्चुअली टूट गया है, तो इसको हम लोग एक नया एलिमेंट से रिप्लेस करेंगे। देखिए ये है वो एलिमेंट, मेहा वाला रिकॉन कंपनी का है, लोकली मेड है रिकॉन 25 वाट, दिल्ली में है। तो इसको करने के लिए पहले ये इसमें 3 स्क्रू है, ये 3 स्क्रू को खोल लेना पड़ेगा। ये 3 स्क्रू को मैंने खोल लिया। इसके बाद यहाँ पे एक तो चीज़ ख्याल कीजिए, इस पर 3 टर्मिनल है, देखिए इस पर 3 टर्मिनल है लेकिन इस पर खाली 2 टर्मिनल। तो ये थोड़ा अच्छा क्वालिटी का था क्योंकि एक टर्मिनल जो कि है इस अर्थिंग का टर्मिनल था, ये वाला अर्थिंग का था, इस पर वो नहीं है, तो उतना दिक्कत नहीं है, हम लोग इसको ही यूज़ करते हैं। सब सोल्डरिंग को खोल लेते हैं पुराने वाला से। इसको हम लोग खोल लिए हैं, अब देखेंगे आर्थिंग का कौन सा है। इसलिए एक मल्टीमीटर लगेगा, मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज पे सेट करते हैं। फेज वाला कौन सा है देख लेते हैं। ये वाला फेज है, ठीक है। फिर से देखिए ये फेज है एंड फेज न्यूट्रल देख के कीजिएगा, ये तो फेज है, चलिए ये फेज है। नेक्स्ट ये वाला कौन सा है देख लेते हैं। किसी में तो नहीं दिखा रहा, इसका वायर भी शायद खराब है, इसको ठीक करते हैं। एक काटर लेना पड़ेगा हमको, काटर से इस जॉइंट में काट देते हैं। अब मोटा मोटी मेजर कर लेते हैं इतना दूर काटेंगे, इसका जो आउटर कवर है इसको काट लेते हैं। जो आउटर कवर है इसको थोड़ा ध्यान से काटिएगा ताकि अंदर का जो वायर है ये वायर कट ना जाए।
अब देखते हैं। फेज मिल गया, ये वाला फेज है, अभी भी कनेक्शन नहीं है। तो न्यूट्रल एंड जो ग्राउंड का वायर है ये टूटा हुआ है, ये तो फेज का है, ठीक है, ये फेज का है। न्यूट्रल एंड ग्राउंड का देखना पड़ेगा, न्यूट्रल एंड ग्राउंड का कनेक्शन मुझे नहीं मिल रहा है, और काटना पड़ेगा। यहाँ से चेक करते हैं, फेज मिला, अभी भी न्यूट्रल नहीं है इसमें। इस वायर को और थोड़ा ज्यादा काटना होगा, न्यूट्रल में लगा के देखते हैं अब यहाँ आया कि नहीं कनेक्शन। अभी तक कनेक्शन नहीं आया, इस वायर को अच्छी तरह से देखिए, कहीं मुझे लग रहा है ये वायर तो पूरा खराब है। काट के देखते हैं, ये वायर तो ही पूरा खराब हो गया। तो क्या करेंगे, इस एंड से काटेंगे, इस एंड से काट के एक बार चेक कर लेंगे, इस एंड से ये जो जंक्शन है यहाँ पे ब्रेक तो नहीं है। इस जंक्शन से ही एक ठो वायर काट अंदर से कटा हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको एक बार देख लेते हैं। देखिए न्यूट्रल, ये है न्यूट्रल का पॉइंट, देखिए यहाँ भी न्यूट्रल नहीं मिल रहा है, ये तार ही खराब हो गया। इसमें दो तार सही है, इस वायर में दो वायर सही है, उस दो वायर में मैं इसको कनेक्ट कर दूंगा। चिंता निकाले,
यहाँ से तीन तार को मैं शॉर्ट कर दे रहा हूँ ताकि पता चले कौन सा तार सही है। क्या करूंगा, एक में मैं मल्टीमीटर का प्रयोग करूंगा, उसके बाद एक एक करके चेक करूंगा। ये तार सही है, ये तार भी सही है, लेकिन ये जो ग्रीन वाला तार है ये वायर देखिए टूटा हुआ है, मल्टीमीटर का कोई रीडिंग नहीं। तो ये दोनों में मैं कनेक्ट करूंगा। ग्राउंड का वायर मुझे नहीं लगेगा क्योंकि इस पर ग्राउंड का वायर का कनेक्शन नहीं दिया हुआ है। और एक चीज़ ख्याल कीजिएगा, ये जो वायर टू है ये वायर तो अंदर से टूट गया है। ये देखिए ये वायर तो अंदर से टूट गया है, तो ये तार पूरा बेकार हो गया है। देखते हैं और काट के कुछ अच्छा था वो एनर्जी मिलेगा कि नहीं तार का। अभी देखिए वही सेम केस, ये वायर तो ही खराब है, तो इसको ऑन नहीं करेंगे, नया एक वायर लेंगे नया वायर में। आप लोग जो ये वायर देख रहे हैं तो ये वायर तो पूरा खराब है, मैं इस वायर को नहीं रखूंगा, मैं इस वायर को चेंज कर दूंगा। तो उसके लिए मेरे पास ये वायर है, ये दो है, मेरा काम चल जाएगा। ट्विन टू स्टेप पियर वायर, अभी मैं क्या करूंगा, ये इस वायर को इस के अंदर से डालूंगा। मैं इस वायर को इस के अंदर डाल दिया, इसके बाद जो लॉक है उस लॉक को लगाऊंगा। ये है वो लॉक, इस लॉक को मैंने लगा लिया हूँ। सेम साइज में काट लेंगे इसको। नेक्स्ट ये वाला जो टर्मिनल, इस पर एक टू पिन प्लग लगाएंगे। मेरे पास ये टू पिन प्लग है, मैं इसको यहाँ पे लगाऊंगा।
नेक्स्ट ये वाला। मैंने लगा लिया हूँ, अभी इसको यहाँ पे प्लेस करूँगा। स्क्रू नट दो जो है इसको मैं लगा ले रहा हूँ। ये मेरा लग गया फाइनली, ये बाकी है। इसको मैं क्या करूँगा, ये जो नया जो बीट है, जो एलिमेंट है उसके साथ लगा लूँगा। ये जो बीट है एलिमेंट, इस एलिमेंट के साथ लगा लूँगा। उससे पहले एक इंसुलेटर इसके अंदर डालता हूँ। ये जो इंसुलेटर है इसको यहाँ पे डाल के इसके साथ मोड़ लेंगे। और एक जो है उसको भी सेम तरीका से करेंगे। अभी मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा सोल्डर करूंगा। ताकि कोई लूज कॉन्टैक्ट ना रहे। ये डायोड है, ये डायोड यहाँ पे सोल्डर किया हुआ था, ये निकल गया है। मैं इस डायोड को पहले सोल्डर कर लेता हूँ। नेक्स्ट ये वाला जो वायर है इसके साथ सोल्डर कर लूंगा। यहाँ पे अगर शोल्डर ना लगे तो हल्का सा घिस लीजिएगा, इसको रफ बना लीजिएगा। जैसे कि मेरा यहाँ पे देख रहा है कि शोल्डर नहीं लग रहा है, तो मैं इसको क्या करूँगा, थोड़ा सा इसको रफ बना लूँगा ताकि यहाँ पे शोल्डर पकड़े। रफ बना के इसके ऊपर थोड़ा सा शोल्डर पेस्ट यूज़ करूँगा। देखिए थोड़ा सा लगा है ये। अभी देखिए यहां से अच्छी तरीके से सोल्डरिंग हो गया है। अभी फाइनली क्या करेंगे, ये जो इंसुलेटर है इस इंसुलेटर को इसके ऊपर चढ़ा देंगे। नेक्स्ट ये वाला, इस इंसुलेटर को भी हल्का सा सोल्डर कर लेते हैं।
जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको काट देंगे। इंसुलेटर तो थोड़ा सा बड़ा लेना पड़ता, एक्चुअली मैं छोटा ले लिया इंसुलेटर, कोशिश करता हूँ इसी के अंदर चले आए। अगर नहीं आता है तो इंसुलेटर तो मैं बड़ा डालूँगा, नहीं आ रहा है तो इंसुलेटर तो मैं बड़ा यूज़ करूँगा यहाँ पे। मैं काट ही देता हूँ, यहाँ पे नहीं हुआ है सही तरीके से। थोड़ा सा काम अच्छी तरह से फिनिशिंग होता है तो काम का क्वालिटी अच्छा होता है, बाद में कोई दिक्कत नहीं होता है, इसलिए मैं पहले ही थोड़ा सा काम को अच्छी तरह से फिनिशिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मैं एक इंसुलेटर इसके ऊपर चढ़ाऊँगा। ये इंसुलेटर अच्छा आएगा, मैं इसको यूज करता हूँ। और थोड़ा बड़ा होता तो अच्छा होता। ये इसको ऊपर चढ़ गया है इंसुलेटर, अच्छी तरह से सोल्डरिंग हो गया है। फाइनली मैं इसको इंसुलेट करूँगा। हो गया। इसके बाद जितना भी स्क्रू है लगा दीजिए। और एक स्क्रू, ये जब लग गया इसके बाद जो एलिमेंट के ऊपर जो बीट लगा है इस बीट को भी इसके ऊपर लगाना होगा। बीट को खोल लेते हैं। इसके बाद
हम लोग का जो हीट सिंक पेस्ट है उस हीट सिंक पेस्ट को थोड़ा सा यूज़ करेंगे। ताकि अच्छी तरह से हीट तो ट्रांसफ़र हो बाहर जो बीट है उसके उसके साथ। ये जो बीट है इसके साथ अगर ये अंदर जाने में दिक्कत हो रहा है तो ये ऊपर जो एक वायर लगा है इसको ढीला कर लीजिए। ये दिक्कत हो रहा है अंदर जाने में, मैं इसको ढीला कर ले रहा हूँ। ये रिंग तो निकल गया, इसके बाद मैं आसानी से इसके अंदर डाल पाऊंगा। अंदर में चला गया, अभी इस रिंग को डालेंगे। ये हो सकता है कि टाइट हो, थोड़ा सा रिंग का जो मुंह है इसको थोड़ा सा बड़ा कर लीजिएगा। ये आसानी से इसके ऊपर चला गया। इसके बाद ये रिंग जो है इसको टाइट कर दीजिए। देखिए रिंग तो टाइट हो गया है। अभी फाइनली टेस्टिंग करवाई, इसको एसी प्लग में लगाने से पहले पहले देख लीजिए कि बॉडी है कि नहीं। ये मेरा मल्टीमीटर, ये दोनों टर्मिनल के बीच जो रेजिस्टेंस है ठीक है, ये देखिए बॉडी नहीं है, इस टर्मिनल के साथ बॉडी नहीं है। फाइनली इसे हीट करने के बाद तो मैं इसे एसी प्लग में इंसर्ट कर रहा हूँ। ये चलिए इसे ऑन करते हैं। ऑन किया, एक बार जो लाइन टेस्टर है इस टेस्टर से देख लीजिए कि इसमें लाइट आ रहा है कि नहीं, ताकि बॉडी ना हो। देखिए हीट होना शुरू हुआ है, देखिए हल्का हल्का धुआं उठ रहा है इसके ऊपर से, थोड़ा सा सोल्डर को पिघलाएंगे इसके ऊपर। 25 वाट का है ये, अभी तक ज्यादा गर्म नहीं हुआ है, जस्ट अभी तो इसको एसी में डाले। देखिए गर्म होना शुरू कर दिया, शोल्डर तो पिघल रहा है। ठीक है देखिए शोल्डर तो पिघल रहा है इस जगह में, काफी हीट हुआ है। ठीक है
तो ऐसे आप लोग आयरन को अपना ठीक कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा जो वीडियो है बहुत लॉन्ग हो गया है, पेशेंस रखने के लिए थैंक यू।